असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के बाद बीजेपी पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों में अपनी सरकार बनाने में जुटी है। चुनावी राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में अपनी जीत के लिए बीजेपी हर तरह के जोड़ तोड़ में लगी हुई है। त्रिपुरा से बीजेपी कभी चुनाव जीतकर अपना खाता नहीं खोल पाई, लेकिन इस बार सरकार बनाने का दावा कर रही है। बीजेपी ने 2013 के विधानसभा चुनाव में यहां 50 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और नतीजे आने पर 49 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। तब कांग्रेस के 10 विधायक चुनाव जीतकर सदन में पहुंचे थे, मगर बाद में 10 में से 6 विधायक कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के 1 और तृणमूल कांग्रेस के 6 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया और इस तरह बिना कोई भी चुनाव जीते बीजेपी यहां मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई है। इस चुनाव में पार्टी सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यहां 18 फरवरी को मतदान होना है। बीते 15 साल से कांग्रेस का रथ उत्तर पूर्व के इस राज्य में दौड़ रहा है। कांग्रेस के लिए यह चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पहली बार विधानसभा चुनावों में अपनी किस्मत आजमा रही है, मगर यहां बीजेपी कांग्रेस को शिकस्त देकर उत्तर पूर्व के एक और राज्य पर कब्जा करना चाहती है। बीते साल भाजपा के कुछ स्थानीय नेताओं ने पार्टी की बीफ नीति से नाराज होकर मेघालय में बगावत कर दी थी। स्थानीय नेताओं के इस्तीफे से बीजेपी बैकफुट पर थी, लेकिन चुनाव से पहले पार्टी ने यह विवाद सुलझा लिया। मेघालय पूर्वोत्तर के उन राज्यों में शामिल है जहां गोमांस लोकप्रिय भोजन है। राज्य में कांग्रेस सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो मुख्य विपक्षी दल नेशनल पीपुल्स पार्टी ने अपने उम्मीदवार 52 सीटों पर उतारे हैं। बीजेपी यहां अपने बूते पर चुनाव लड़ रही है और उसके 47 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहां 27 फरवरी को मतदान है। नागालैंड में बीजेपी ने अपने 15 साल पुराने सहयोगी को छोड़ एनडीपीपी के साथ गठबंधन किया है। इसका नेतृत्व 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके नीफियो रियो कर रहे हैं। गठबंधन में बीजेपी को सिर्फ 20 सीटें मिली हैं, बाकी 40 एनडीपीपी के खाते में गई है। कांग्रेस यहां 19 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यहां मतदान 27 फरवरी को होगा, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री नीफियो रियो निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं। बीजेपी को यहां नागालैंड बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल का विरोध झेलना पड़ रहा है। नागालैंड की 90% आबादी ईसाई है, जहां नागालैंड बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल एक प्रभावशाली धार्मिक संस्था है। धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ बढ़ती घृणा और हमले की वजह से काउंसिल ने बीजेपी के खिलाफ सभी दलों को चिट्ठी लिखी है। चर्च के इस रवैये से बीजेपी के लिए राज्य में अपने बूते पर जमीन तैयार कर पाना मुश्किल हो रहा है। गो न्यूज़ ब्यूरो।